Hello, I'm Satish Rai, and I'm standing here with my team on the land of Maryada Purushottam Shri Ramchandra Ji in Ayodhya. And today we start filming of an epic film called Lord Rama in Exile. Most of the Girmityas were taken from this area in Uttar Pradesh. The discord which I mentioned, which resulted in the exile of 1.2 million young Indian men and women and children, has got a wider story. It started off about 500 to 600 years ago, and thus began, you know, genocide of the Native Americans. Millions of people were killed, and by the time British were ruling India. Ji, wo dasra ji ke upar jo hai zyada lagu hoti hai, kyunki jab unhone vachan diya tha to wo Bhagwan Ram ko pyar bahut karte the apne putr ko, to जब वो डगमगाए उस पर तो ये उनकी वचन को याद दिलाया गया कि रघु के आप पुत्र हैं. उनकी यहाँ एक परंपरा रही है कि आपने जो वचन दिया है वो अकाट्य है, वो दूर नहीं हो सकता, वो गलत नहीं हो सकता, चाहे उसके लिए प्राण भी देने पड़े. तो जी, जहाँ तक मुझे जानकारी है, ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ करती थी तब, उन्होंने वो बहुत से लोगों को, ख़ास तौर से नॉर्थ इंडिया को, पूरब की तरफ से, भारत के पूर्वी राज्यों से ले गए थे मजदूरों के रूप में. और जो ज़्यादातर जहाँ जहाँ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिशर्स का राज था, हर जगह ले गए थे. हाँ, और उसका जो यहाँ पे ब्रिटिश प्रेजेंस, जो टैक्स के कारण बहुत लोग बेरोज़गार भी हो गए थे, तो इजी पिकिंग था कि लोगों को उठा के ले जा सकते थे. देखिए, एक तरह से देखा जाए तो उनका पूरा तरह से साम्राज्य था, कोई विरोध करने की स्थिति में नहीं था, देश टुकड़े टुकड़े में था, कोई एक रूल नहीं था यहाँ पे, जिसका फ़ायदा ब्रिटिशर्स ने हमेशा उठाया. मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जिन लोगों को वो ले गए, उनके जो है जो परिवार बचा, उन्होंने उनके बारे में कभी कोई जानकारी नहीं रखी, ना उनके जाने के बाद, ना ब्रिटिशर्स के जाने के बाद. भारत से उन्होंने, भारत सरकार से अनुरोध किया भी कि हमारे 70 साल 80 साल 100 साल 150 साल पहले जो हमारे पूर्वज यहाँ से गए थे, उनकी कोई खोज खबर ली जाए. मुझे लगता है कि जो गिरमिटियों की कहानी है वो बहुत मार्मिक है, तकलीफ़ भरी, क्योंकि उनको आधी हकीकत और आधे फसाने के बीच में रखा गया, उनको सच नहीं बताया गया. और जो भी औपनिवेशिक काल में, खास करके ब्रिटिश रूलर्स के समय में भेजे गए, तो उनको ये कह के ले जाया गया कि हम आपसे मजदूरी कराने, आपको रोज़गार देने के लिए ले जा रहे हैं, लेकिन वो सात समुंदर पार ले गए और इतनी दूर गए कि उनका आना संभव नहीं हुआ, लौटना संभव नहीं हुआ. मुझे लगता है कि राम जी का एग्जाइल जो है वो सेल्फ ओरिएंटेड है, पिता से दिया हुआ और खुद से मांगा हुआ. गिरमिटियों का एग्जाइल तो उनको बिना बताए दे दिया गया, उनको मालूम ही नहीं था कि उन्हें उस एग्जाइल में जाना है. तो राम जी का संघर्ष जहाँ एक नैतिकता के लिए है, वहाँ गिरमिटियों का एग्जाइल उनकी नासमझी में किया गया. उनके साथ एक तकलीफ भरा आंदोलन है जिसमें उनका अपना परिवार, उनकी अपनी वंश परंपरा उनसे छूट जाती है. उनसे मेरी अपील है एक भारतीय के रूप में कि आप भी भारतीय हैं और आपकी मातृभूमि आपके पूर्वजों की मातृभूमि रही है, इसे अपना ही देश समझें और इसे वैसे ही स्वीकारें जैसे उन देशों में है जहां आप अपने जन्म से वहां मौजूद हैं. और भारत आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, आपके स्वागत में खड़ा है और आपके साथ, आपके संघर्ष में आपका हिमायती और आपको नमन करता है. दिस कोड व्हिच द ब्रिटिश इम्पोज through Britain in India is much larger discourse. We saw the transportation, the exile, the banishment of the Girmityas as compared to family discord of Lord Ram in Ayodhya. So as we progress, I'm going to tell a bit more about this discord and other aspects of the exile of Lord Ram, the Girmityas, and my own exile.